अगली खबर में बात करते हैं बहराइच की, जहां अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। रफीक पुत्र समीम निवासी छावनी थाना दरगाह जनपद बहराइच को पैसों को लेकर कुछ लोगों ने 26 तारीख की रात तकरीबन 8 बजे गोली मार दी, जिससे रफीक गंभीर रूप से घायल हो गया। हमलावर उसका पीछा कर रहे थे। आरकन्या स्कूल की सुनसान गली में मौका पाकर घेर कर गोली मार दी। मौके से हमलावर फरार हो गए। हमलावरों में से दो लोगों के नाम गोलू और मतीन बताया जा रहा है। घायल अवस्था में युवक को इलाज के लिए बहराइच मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां पर युवक की गंभीर हालत को देखते हुए लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। क्षेत्र अधिकारी विनय द्विवेदी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जल्द से जल्द अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने की बात कही है। तो वही मांगे सर। अरे बाकी बाहर चलो आप। आशियो साहब, एक घटना सामने आई है कि युवक पर हमला हुआ है, गोली मारी गई, क्या है मामला, क्या जानकारी है? अभी एक गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई है कोतवाली नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत, तो अभी अस्पताल में आया गया है और पूछताछ की गई है। डॉक्टरों ने अभी रिफर किया है, आगे एप्लीकेशन प्राप्त होता है तो मुकदमा लिख के आगे की कार्रवाई की जाएगी, जल्दी हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। क्या मोटो बताया जा रहा है कि क्या हमले अभी करने अभी जांच पड़ताल चल रही है, तहरीर अभी प्राप्त होने वाली है, जैसी प्राप्त हो जाएगी हम लोग अभी पंजीकृत करके कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा अल्ताफ नाम है सर। अच्छा, ये कौन है तुम्हारा? ये हमारा दोस्त है, हमारे साथ रहता है। क्या काम करता है? ये मोबाइल का काम करता है सर। अच्छा, और इनके पिताजी का क्या नाम है? ये पिताजी का नाम है समीम अहमद। क्या करते हैं? ये सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं। अच्छा, क्या हुआ है? क्या हुआ मामला, आज क्या हुआ? मामला हुआ ये कि इन्होंने हमारे पास 2:30 बजे फोन किया, 2:30 बजे, कहाँ घर पे है सर, उन्होंने कहा कपड़ा पहन के यहाँ आओ दुकान पास, चलना है थोड़ा बलरामपुर पैसे के लिए। फिर हमने कहा ठीक है, कपड़ा पहन के आ रहे हैं। फिर हम लोग गए बलरामपुर, लगभग 4:30 बजे हम लोग बलरामपुर पहुँचे। फिर वहाँ नाश्ता पानी किए होटल पे, वहाँ फ़ोन पे बात हुई कुछ। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोग नाश्ता पानी किए, फिर इन्होंने कहा कि चलो चलें। फ़ोन उठाया और डीसी जी बात कर रहे हैं सर, और जो है तो चलो बहराइच चल रहे हैं। हमने कहा चलो। फिर जो है हम लोग चले आए वहाँ से, फिर हम लोग धीरे धीरे आए तो इन्होंने कहा आओ चले मार्केट से सामान ले लें दुकान का। तो हमने कहा चलो ले लें। तो हम लोग ऐसे आ रहे थे तो हम लोग कहा ऐसे घूम के चलो, फिर ऐसे अंदर से निकल लें सामान ले लें भाई, तो छोनी चौरा सीधे घर चले। फिर दो लोग, एक एक गाड़ी से दो दो लोग थे। फिर आए, इन्होंने आवाज़ दिया कहा रुको रुको रुको। तो इन्होंने ये पैसे के पीछे बैठे थे, इन्होंने कहा कौन है देखे तुम, कहा देखो। तो जैसे रोका हम स्टैंड ही लगा रहे थे, जैसे स्टैंड लगाया वैसे तड़ से गोली की आवाज़ आई हल्की। फिर हमने घूम के देखा ये गिरे पड़े, फिर हम वहाँ पे आवाज़ दिया। अच्छा, कौन लोग हैं जिन्होंने मारा है? दो लोग बलरामपुर के थे, तो ये पहचानते हैं, इन्हें पहचान। हम स्टैंड ही लगा रहे थे, अगर हम स्टैंड नहीं लगा रहे तो हम जान जाते कौन कौन है। कौन कौन था तुम्हारी पहचान में? हमारी पहचान में कोई नहीं था, हमारी पहचान ये इन्होंने तुरंत आधा। हमने कहा क्या हुआ भाई, इन्होंने कहा कि जो मोनू और जो है मतीन ने गोली चलवा दी, तुरंत चला दी। अच्छा, ये रंजीश क्या है, क्यों मारा? रंजीश हमें ये नहीं मालूम है, रंजीश सब यही बता रहे हैं पैसा कौड़ी का मामला था, यही हमसे बताया था कि हम पैसा लेने चलने चलो। कितना पैसा बाकी? लगभग 3.5 लाख रुपए। अच्छा, इन जिन्होंने मारा ये इनके कौन है रिश्ते में? वो जिन्होंने इनको मारा है ये इनके भाई के एक साला लगता है, एक साड़ू लगता है।